सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज शरद एंड यू आर वाचिंग जैट बॉम्ब। सो गाइज आज जो गाड़ी हम लोग के सामने है गाइज, ये बहुत ही एक स्पेशल गाड़ी है। ये है द ऑल न्यू 2024 महिंद्रा स्कॉर्पियो, और ये जो वेरिएंट है ये भाई सबसे बहुत ही खास वेरिएंट है, क्योंकि ये स्कॉर्पियो का एकदम बेस वेरिएंट है, जो कि आपका आप क्लासिक एस बोल सकते हो। इसके ऊपर आपका सिर्फ S11 आता है, 7 सीटर में ही ये गाड़ी सिर्फ अवेलेबल आपको मिलेगा। सो गाइज ये गाड़ी हम लोगों के पास आया है थैंक्स टू महिंद्रा रॉयल मोटर्स। आप देख सकते हो महिंद्रा रॉयल मोटर्स, ये गाड़ी इजीली अवेलेबल मिलता नहीं है। सो आई वांट टू थैंक महिंद्रा रॉयल मोटर्स। अगर आपको कोई भी महिंद्रा का गाड़ी चेकआउट करना है आप ये शोरूम पे जरूर आ सकते हो। सो गाइस गाड़ी के बारे में बात करने से पहले मैं इसका एक शोरूम प्राइस आपको बता देना चाहता हूँ। सो ये जो पर्टिकुलर वेरियंट है इसका अराउंड 13.6 लाख से इसका एक शोरूम, ऑन रोड तकरीबन आपका शहर पे 14.5 से 15 लाख के करीब आ जाएगा ये गाड़ी। सो अगर आपका वो बजट है तो भाई ये क्लासिक माफिया कार आप जरूर खरीद सकते हो। सो बेस मॉडल है, सो ज्यादा कुछ तो आपको मिलता नहीं है। सो अभी शुरू करते हैं गाइस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में। सो सामने से आप देख सकते हो यहाँ पर आपको महिंद्रा का ट्विन पिक का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये 6 हॉरिजॉन्टल ग्रिल मिल जाता है ग्लॉस ब्लैक में। सो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, एंड नॉर्मल जो आपका जो ग्रिल है ये आपका मैट ब्लैक में फिनिश हुआ है। हेडलाइट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, हेडलाइट्स आपको फुल हैलोजन सेटअप पे मिलता है, और रिफ्लेक्टर सेटअप है गाइस, ये आपका लो भी में हाई भी में। नीचे आपको यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पर जो छोटा बल्ब है वो आपका पार्किंग लाइट है। आप LEDs में अपग्रेड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होगा। इस वेरिएंट पे ऑब्वियसली आपको कोई फॉग लाइट नहीं मिलता है, आपको यहाँ पर सिर्फ ये मैट ग्रे और मैट ब्लैक पे आपको हाउसिंग मिलता है, बट फॉग लाइट आप एज एन एक्सेसरी लगवा सकते हो। एंड ऑब्वियसली आप ग्रिल देख सकते हो, ये ऑब्वियसली SUV है, सो आपको ये बहुत ही एग्रेसिव लुकिंग सामने का ग्रिल मिल जाता है स्कॉर्पियो क्लासिक का। गाड़ी के साइड में अगर हम लोग चले जाए गाइस, साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा है स्कॉर्पियो क्लासिक का। व्हील्स में आपको कोई व्हील कवर कुछ नहीं मिलता है, अलॉय फिनिश भी आपको नहीं मिलेगा। अलॉय के लिए आपको S11 पे जाना पड़ेगा, या फिर आप एज एन एक्सेसरी लगवा सकते हो। सो सामने आपको यहाँ पर स्टील व्हील मिलता है, टायर का जो प्रोफाइल है मेरे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, आप देख के आइडिया बना सकते हो। सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है ABS CVT के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो सस्पेंशन ट्रेवल भाई काफी अच्छा है, कोई भी उसमें आपको दिक्कत होगा नहीं। यहाँ पर फेंडर में आपको इंडिकेटर मिल जाता है जो कि आपका हैलोजन फिनिश में है। यहाँ पर ORVMs आपको मैनुअली ऑपरेबल मिलेगा, कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मतलब ट्रीटमेंट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। एंड अंदर का जो मिरर है आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये नॉब मिल जाता है, वहां से अपना जो मिरर है एडजस्ट कर सकते हो। बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको मिलता है, गाड़ी का बी पिलर आपको बॉडी कलर में मिलता है। ऊपर ये जो रूफ रेल आप देख रहे हो ये एज एन एक्सेसरी फिटेड हुआ है, नॉर्मल गाड़ी में नहीं आता है, सो मैं आपको वो बोल दे रहा हूँ। पीछे की तरह अगर हम लोग चले जाए गाइस, यहाँ पर आपको फ्यूल लीड मिल जाता है, एंड पीछे का जो व्हील्स है व्हील्स भी आपको सेम प्रोफाइल में मिलता है जस्ट लाइक द फ्रंट व्हील्स, बट पीछे आपको कोई डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, आपको ड्रम ब्रेक मिलता है पीछे ABS CVT के साथ। अभी चलते हैं गाइस गाड़ी के रियर लुक के बारे में। सो स्कॉर्पियो जो बिकता है ना वो है रियर लुक के लिए, क्योंकि पीछे से इन माई ओपिनियन स्कॉर्पियो क्लासिक जो है स्कॉर्पियो N से ज्यादा बेटर लगता है। यहाँ पर आपको LED ट्रीटमेंट मिल जाएगा, आपका टेल लाइट स्पेस, आपका ब्रेक लाइट और पार्किंग लाइट LED है, और आपका टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लाइट आपका हैलोजन में मिल जाएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आपको मिलेगा आपका रिफ्लेक्टर, मतलब रिफ्लेक्टर टाइप डिजाइन है। पीछे आपको यहाँ पर मिलेगा हाइमोन स्टॉप लैम्प। ये स्पॉयलर आप देख रहे हो ये भी एज एन एक्सेसरी फिटेड हुआ है। यहाँ पर पीछे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको नहीं मिलेगा, बट प्लेसमेंट आपको मिलता है, आप एज एन एक्सेसरी लगवा सकते हो। पीछे आपको मिलेगा 2 पार्किंग सेंसर, आप देख सकते हो ये गार्ड भी एज एन एक्सेसरी फिटेड हुआ है, एंड रिफ्लेक्टर आप देख सकते हो दोनों तरफ आपको बम्पर पे मिल जाएगा। पीछे का जो बूट डोर है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। सो पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बेज फिनिश मिलता है, डोर हैंडल आपको यहाँ पर दिया गया है। अंदर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपको 460 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है, बट ये जो सीट है सीट आपको यहाँ से मतलब ऊपर आपको टांगना पड़ेगा यहाँ से। आप देख सकते हो ये अगर आप ऊपर टांगेंगे तो यहाँ पर बूट स्पेस आपको इंक्रीज क्या हुआ मिलेगा। तो बूट स्पेस का कुछ ऐसा फंडा है। सो यहाँ पर इन माय ओपिनियन गाइस एक बंदे दोनों तरफ कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, पर दो बंदे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा एडजस्ट करके आपको बैठना पड़ेगा। सो ये है कुछ गाइस रियर बूट का फंडा। सो करते हैं ये क्लोज एंड चलते हैं रियर सीट पे। सो रियर डोर अगर मैं ओपन करूँ गाइस, अंदर में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बेज इंटीरियर मिलता है, डोर हैंडल यहाँ पर है, मैट ब्लैक पे आपको डोर हैंडल मिलता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। सीट्स आपको फुल बेज इंटीरियर में मिलेगा, कोई भी आपको लेदर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको सिर्फ फैब्रिक सीट्स मिलता है। सो अंदर अगर हम लोग बैठेंगे गाइस, अंदर में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको डुअल AC वेंट्स मिल जाता है बीच में। यहाँ पर थोड़ा सा आपको पॉकेट मिल जाता है फोन रखने के लिए, या फिर अपना कॉइन ये सब रख सकते हो। यहाँ पर लेगरूम के बारे में अगर बात करूँ गाइस, लेगरूम भाई काफी अच्छा है, ये एक मीडियम ड्राइविंग पोजिशन में सेट है, एंड लेगरूम भाई काफी अच्छा, अंडर थाई सपोर्ट इज वेरी वेरी गुड, नो कम्प्लेन्ट्स। यहाँ पर गाड़ी के चौराहे के बारे में अगर बात करूँ गाइस, 3 बंदे आराम से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, कोई भी उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। सीट बेल्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है, ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पर डोर हैंडल, बट कोई हुक आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको मिलेगा हैलोजन में
कैबिन लैंप, यहाँ पर आपको हुक मिलता है डोर हैंडल के साथ। अभी बात करते हैं गाइस हेडरूम के बारे में। सो हेडरूम भाई काफी अच्छा है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है स्कॉर्पियो का हेडरूम के बारे में। सो काफी इट्स वेरी वेरी स्पेशियस एट द बैक। एंड एक चीज मैं बोलूंगा, आप थोड़ा अपराइट बैठते हो, ज्यादा यहाँ पर रिक्लाइन एंगल नहीं है सीट्स पे, बट आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है पीछे। सो दैट्स प्रीटी गुड। एंड ओवरऑल भाई तीन बंदे तो आराम से पीछे बैठ सकते हैं, स्कॉर्पियो है भाई, कोई भी आपको दिक्कत होगा नहीं पीछे। सो मेरे लिए तो भाई बड़ा सा थम्स अप है। सो अभी चलते हैं गाइस सामने। सो सामने इस बेस मॉडल में आपको क्या क्या मिल जाता है मैं सामने जाके अभी आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस फ्रंट डोर अगर मैं ओपन करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको बेज इंटीरियर मिलता है, डोर हैंडल, और यहाँ पर आपका जो मतलब ये डोर हैंडल, दोनों डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक पे मिलता है। और यहाँ पर आपको ये नॉब मिल जाता है टू कंट्रोल द ओआरवीएम्स ओवर हियर। यहाँ पर आपको सिर्फ बैकरेस्ट एडजस्ट मिलेगा, हाइट एडजस्ट आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपको आगे पीछे करने का बटन मिल जाएगा। एंड ओवरऑल सीट्स में साइड बोल्स्टरिंग काफी अच्छा है, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है यहाँ पर, सो दैट्स गुड। यहाँ पर कुछ बटन आपको मिल जाता है गाइस। सो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट स्टॉप मतलब ऑटो आइडल का बटन है, ये आपका पीछे का जो फ्यूल लिड है वो ओपन करने का बटन है। यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस दिया गया है। सो चलिए गाइस अभी बैठते हैं अंदर एंड इंटीरियर चेकआउट कर लेते हैं भाई स्कॉर्पियो बेस मॉडल का। सो डोर्स करते हैं बंद। सो इंटीरियर के बारे में अगर बात करूँ गाइस, यहाँ पर भाई एकदम बेसिक है। सो यहाँ पर आपको डुअल फिनिश मिल जाता है बेज और ब्लैक कलर में, स्कॉर्पियो का ब्रांडिंग है वहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ग्लॉस ब्लैक में टच मिल जाता है। ग्लव बॉक्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, ग्लव बॉक्स में भाई स्पेस उतना नहीं है, आप देख सकते हो स्पेस उतना खासा आपको नहीं मिलेगा। एंड कोई कूलिंग फंक्शन या लाइट भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा दो एसी वेंट ब्लोअर कंट्रोल के साथ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी आपको यहाँ पर मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, बट वो एज एन एक्सेसरी आप लगवा सकते हो, एंड्रॉइड बोलिए टच स्क्रीन बोलिए जो भी आपका मन चाहे आप लगवा सकते हो। यहाँ पर आपको मैनुअल एसी मिलता है गाइस। सो ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, ये आपका ब्लोअर कंट्रोल है, कहाँ पर आप हवा भेजना चाहते हो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये आपका एसी हाई स्विच है, एसी लो स्विच है। एंड यहाँ पर आपका जो एयर सर्कुलेशन है वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलेगा हैजर्ड लाइट का स्विच। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, आप अपना फोन रख सकते हो। 12 वोल्ट का सॉकेट है। इस गाड़ी में आप देख सकते हो 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलेगा। सिर्फ एक इंजन ऑप्शन में ये गाड़ी आपको अवेलेबल मिलेगा, जो कि आपका 2.2 लीटर का डीजल इंजन है, जो कि आपका 130 bhp जनरेट करता है और 300 न्यूटन मीटर आपको टॉर्क मिल जाएगा। यहाँ पर गियर शिफ्ट्स भाई ठीक ठाक ही है, उतना भी स्मूथ नहीं है मैं एक चीज बोलूंगा, सो दैट इज देयर। यहाँ पर आपको मिलेगा थोड़ा सा एक यहाँ पर पैडेड फिनिश, यहाँ पर अपना फोन भी आप रख सकते हो। सब पावर विंडो का स्विचेज आपको यहाँ पर बीच में मिलता है, डोर्स में आपको कुछ नहीं मिलता है। मैनुअल हैंडब्रेक है यहाँ पर थोड़ा सा, और एक पॉकेट है। यहाँ पर ऊपर अगर हम लोग देखेंगे आपको मिलेगा एक मैनुअल डिमिंग आईआरवीएम। यहाँ पर वाइजर में आपको मिलेगा एक मिरर, बट कोई लाइट नहीं है। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा एक टिकट होल्डर, कोई मिरर या लाइट आपको नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील भाई आपको एकदम नॉर्मल सा मिलता है, फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, महिंद्रा का ट्विन पिक का लोगो है। कोई भी आपको बटन नहीं मिलेगा, बट आप एक अच्छा सा स्टीयरिंग कवर आप पहना सकते हो लेदर फिनिश का। यहाँ पर आपको मिलेगा आपका वाइपर का स्विचेस, यहाँ पर आपको मिलेगा आपका हेडलाइट का स्विचेस। हेडलाइट आपको मिलेगा भाई हेलोजन में, आप देख सकते हो यहाँ पर। अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको भाई बेयर बोन्स मिलता है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपका टैकोमीटर है, यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर है, बीच में जो MID है आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको दिखा रहा है आपका ट्रिप इन्फॉर्मेशन, टोटल ओडो रीडिंग, यहाँ पर आपको दिखा रहा है आपका टेम्परेचर लेवल, और ये आपका फ्यूल लेवल है। सो ये जो स्क्रीन है गाइस वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ट्रिप मीटर सब चेंज होता है। एंड यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हो आपका जो ट्रिप ये सब है आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सो दो आपको मोड फोर्ड का सब बटन यहाँ पर आपको दिया गया है। सो गाइज ये है कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आप मुझे जरूर बताइए आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा लगा। विजिबिलिटी तो भाई स्कॉर्पियो का घमासान है, आप देख सकते हो, क्योंकि आपको पूरा बोनेट दिखता है। सो ड्राइव करने में तो भाई ये गाड़ी में आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। पीछे का भी विजिबिलिटी काफी अच्छा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। वेरी बिग विंडशील्ड एट द बैक। एंड साइड का भी विजिबिलिटी भाई आपको अच्छा खासा ही मिल जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा ओआरवीएम्स आपको मिलता है, उस साइड का भी आप देख सकते हो। बट एक जो समस्या आपको हो सकता है वो है कि अगर आपको उस तरफ का मिरर सेट करना है, देन आपको ऐसा करके स्ट्रेच करके सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। सो एक समस्या आपको हो सकता है। सो गाइज ये था मेरा डिटेल रिव्यू ऑफ दी ऑल न्यू 2024 अपडेटेड महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक मतलब बेस वेरियंट। अगर आपको इंटीरियर रिव्यू पसंद आया, ये गाड़ी पसंद आया, तो जरूर एक लाइक कर दीजिए, बिकॉज इट विल रियली हेल्प द वीडियो एंड ऑल्सो द चैनल। सो गाइज ये था मेरा डिटेल रिव्यू ऑफ दी ऑल न्यू 2024 महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक बेस वेरियंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक विद द थम्स अप। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। एंड भाई ऑब्वियसली ये बेस वेरिएंट है स्कॉर्पियो का, एंड स्कॉर्पियो है भाई, तो आप क्या बोलेंगे। सो जरूर आप ये गाड़ी पे जा सकते हो, एक अलग ही फीलिंग है अगर आप एक स्कॉर्पियो ओन करते हो आपके फैमिली में। सो गाइज आज के लिए वीडियो इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन चाओ।